हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी इज़ कपकेक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे वांट समथिंग डिफरेंट टू ईट। एंड कपकेक्स तो मोस्टली बच्चों के फेवरेट होते हैं, बट मिनिमल इंग्रेडिएंट्स एंड 10 मिनट्स और कपकेक्स रेडी। सरप्राइजिंग राइट, बट ये पॉसिबल है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। Oreo biscuits, 1/4 spoon baking powder, 2 spoons powder sugar which is optional, 4 to 5 tablespoons milk जो room temperature का होना चाहिए। We have to grind these biscuits, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। I just roughly crush it and will make a powder. After grinding, it will look like this. Now we'll mix all the ingredients. सबसे पहले powder sugar, then baking powder, and उसके बाद एक proper mix देंगे। आप धीरे धीरे उसमें मिल्क ऐड करेंगे, बिकॉज एक साथ सारा ऐड नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज रियली इम्पॉर्टेंट। फाइनली बैटर इस तरह का रेडी हुआ है एंड लेट्स पोर इन टू द कप्स। मैं ईच कप में 2 स्पून्स ऐड कर रही हूँ, जो बाकी बेक होने के बाद कप के लेवल तक आ जाएगा। आप चाहें तो 3 स्पून भी ऐड कर सकते हैं, जो थोड़ा ऊपर तक रहता है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। आप चाहें तो बीच बीच में थोड़ा चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है, बट अगेन इट्स ऑप्शनल। Now we'll preheat microwave on 160 degree for 4 to 5 minutes. अब इसमें ट्रे को प्लेस करेंगे फॉर 1 to 2 minutes। एक्चुअली बहुत ज़्यादा देर तक उसमें नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। सो दिस इज़ आउटपुट। कपकेक्स काफ़ी फ्लफी एंड यमी लग रहे हैं, लुकिंग सो यमी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या चॉकलेट को ग्रेट करके भी इस पर स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर टॉपिंग के लिए आप कुछ और भी कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर एंड कोको पाउडर से टॉपिंग रेडी किया है। इफ़ यू वांट टू नो द रेसिपी फॉर दिस, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर इट। सी, डेकोरेशन इज़ कम्प्लीटली योर टैलेंट। जैसा चाहें आप वैसे उसको डेकोरेट कर सकते हैं। So hope you like it. It's very easy to make with the less ingredients. So try it and enjoy. Thank you so much for watching. Thank you.